हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल 1 की पहली क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं लर्न एट होम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया था एक्सेल का। इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि एक्सेल के जो हमारे पार्ट्स हैं, जो टूल्स हैं हमारे, उनके हमारे क्या नेम है। जो आप ये वीडियो एक्सेल सीट जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो यहाँ से आप इनके नाम देख सकते हैं। इसलिए मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं हमारे कि इसमें एक हमारा ये हमारा है फॉर्मूला बार, जो यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला बार। ये हमारा पार्ट है हमारा फॉर्मूला बार। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला जो हम इसमें टाइप करेंगे या कोई वैल्यू लिखेंगे हम, वो इस फॉर्मूले बार में लिखी जाएगी। ठीक है, जिस सेल पर हम एक्टिव करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो आप देख रहे होंगे ये एक बॉक्स बन जाता है ग्रीन कलर का। तो ये हमारे एक्टिव सेल है। इस एट दिस टाइम यदि यहाँ इस फॉर्मूला बार में हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारे उस सेल में टाइप होता है। ठीक है, मैं एंटर किया तो देख रहे होंगे कि वो सेल में उस सेल में टाइप हुआ है। और इस ठीक है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर कोई फंक्शन लिखता हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेल में उसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार में वो तब भी फॉर्मूला ही दिखाई देगा। तो उस किसी भी सेल में वो क्या वैल्यू है तो हम उसके फॉर्मूले बार से चेक कर सकते हैं। इसे हम फॉर्मूला बार या फंक्शन बार जो भी है कुछ भी कह सकते हैं। फंक्शन का नाम यहाँ इस जगह डिस्प्ले होगा। तो मैंने आपको क्लास में बता ही दिया था लास्ट क्लास में कि हमारा रिबन है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कॉलम हेडर्स है, रॉ एड्रेस है। तो इन दोनों की जो इंटरसेक्ट करते हैं ये, तो उस जगह को हम सेल बोलते हैं। जहाँ रॉ और कॉलम मिलते हैं उसकी जो है सेल है। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर सीट टैब है यहाँ पर, इस पर प्लस पर क्लिक करते रहें तो ये सीट जो है एक्स्ट्रा बढ़ती जाती है। टाइटल बार, फाइल मेनू, जो आपसे देख सकते हैं, इसे ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी सिंपल और बेसिक है। आज जो हम इसमें वर्क करने वाले हैं, आज जो इस ट्यूटोरियल 1 में हम सीखेंगे, वो हमारे सिंपल और बेसिक फॉर्मूला है काउंट। ठीक है, तो काउंट से रिलेटेड जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स, तो ये पूरी सीरीज है इन फॉर्मूलेज की। वो सारी सभी सीरीज को हम आज कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा काउंट। ठीक है, कोई भी फंक्शन हम एक्सेल में यूज करते हैं, चाहे वो काउंट हो, सम हो, वी लुकअप हो, उन सभी फंक्शंस के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है हमारा इक्वल साइन। कोई भी फंक्शन हम इक्वल साइन से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं इक्वल साइन और हमारा काउंट फंक्शन। जैसे मैं इसे टाइप करना शुरू करता हूँ, सी ओ यू एन टी, तो ये फंक्शन जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। मैं चाहूँ तो इस पर डबल क्लिक करके या फिर सिंपल टैब की से इसको पिक कर सकता हूँ, या मैं टाइप भी कर सकता हूँ। तो हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं, देखो, तो मैं काउंट फंक्शन से पहले हर फंक्शन का जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपको समझा देता हूँ। तो कोई भी फंक्शन हो हमारा, ठीक है, तो कोई फंक्शन हो हमारा, उसका कोई भी हमारा फंक्शन हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर हमारा इक्वल के बाद हमारा जो है फंक्शन नेम होता है, एक फंक्शन का नेम होता है, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट के अंदर कॉमा से जो है हमारे
इनपुट वन एंड इनपुट टू जो है आर्ग्यूमेंट आते हैं, ये हमारे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी फंक्शन का। कोई फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो इक्वल साइन, उस इक्वल साइन के बाद उस फंक्शन का नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर यानी सबसे जो है नॉर्मल जो ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट के अंदर हम उन इनपुट्स को लिखेंगे जो वो फंक्शन में रिक्वायर्ड है। किसी फंक्शन में एक इनपुट हो सकता है, जैसे हमारा लैन फंक्शन है, किसी फंक्शन के अंदर हमारे दो या तीन आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे वी लुकअप है उसमें पांच आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसी तरीके से फाइंड फंक्शन है जिसमें तीन आर्ग्यूमेंट होते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट जो है वो फंक्शन बाय फंक्शन जो है डिफर करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सभी फंक्शंस का यही होता है। इनपुट कितने के तरह के हो सकते हैं, उन फंक्शन का जो इनपुट है वो कुछ भी हो सकता है यदि फंक्शन वो डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे काउंट फंक्शन के लिए नंबर वैल्यूज़ होनी चाहिए, सम फंक्शन के लिए नंबर वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि सम जो है नंबर्स को ही सम किया जा सकता है, किसी टेक्स्ट को या डेट को तो सम नहीं करेंगे हम, या किसी और वैल्यूज़ को। तो जनरली यही स्ट्रक्चर हमारा इसमें पाया जाता है। तो अब आते हैं हम अपने पहले फंक्शन पर जिसका नाम है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, काउंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करने के लिए। इसका क्या मतलब है, यानी कि काउंट फंक्शन हमेशा नंबर्स को ही काउंट करेगा, नंबर्स के अलावा ऐसी किसी वैल्यू को वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर काउंट ओके करता हूँ, अब ये देखिए इसका फंक्शन में ये अब यहाँ देख पा रहे होंगे वैल्यू वन वैल्यू टू इस तरह से इसके आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। यहाँ पर हम चाहे तो एक पूरी रेंज भी एक वैल्यू के रूप में दे सकते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिंपल सेलेक्ट कर लें तो ये हो जाती है हमारी रेंज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ गया 4, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल 4 नंबर्स हैं, पर आप देखेंगे यहाँ पर तो 5 नंबर्स हैं। तो रीज़न ये क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 जो सेव है यहाँ पर इसके आगे इस साइन साइन को देख पा रहे होंगे आप, इसका जो एक निशान लगा हुआ है इस सैम्बल की वजह से ये हमारा जो 2 है वो नंबर नहीं रहा, ये एक टेक्स्ट हो गया। तो काउंट फंक्शन इस को इग्नोर कर देगा और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करेगा। तो एक तरीका हो गया हमारा सिंपल इस तरीके से जैसे हम पूरी रेंज देते हैं, और एक तरीका हो गया जब हम इसको मैनुअली दे सकते हैं, से दिस वैल्यू कॉमा दिस वैल्यू एंड कॉमा दिस वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में हमने पूरी रेंज में सेलेक्ट कर ली है, इसके अलावा हम पार्शियल रेंज और पार्शियल जैसे हम कहें तो जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने एक रेंज दे दी, फिर कॉमा ये वैल्यू कॉमा ये वैल्यू, तो इस तरह से भी काउंट फंक्शन वर्क करेगा। यहाँ पर हमारे 3 नंबर न्यूमरिक वैल्यू हैं इसलिए इसने यहाँ पर रिजल्ट 3 दिया है। ठीक है, तो चाहे तो हम या फिर हम पूरी रेंज डाल सकते हैं, या हम एक सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, या दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं काउंट फंक्शन के अंदर। क्लियर, तो आइए थोड़ा सा इनका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर यदि मैं इन वैल्यूज को काउंट करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं काउंट, हम इस फुल वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और बैक क्लोज करके एंटर करेंगे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर वीडियो प्ले कीजिएगा। इसका आंसर आएगा हमारा 8, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी टोटल 9 सेल्स हैं और एक सेल्स में डबल ए यानी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है,
तो न्यूमरिक वैल्यू हमारी कितनी हुई, 8, इसलिए इसका रिजल्ट हमारा 8 आया। ठीक इसी तरीके से के लिए आप देख पा रहे होंगे ये एक नीचे फिल है, तो इसको हम ड्रैग कर सकते हैं सेम फॉर्मेशन को। यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया है 6, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया 5, 1 2 3 4 5, रिजल्ट आया 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको और ड्रैग करते हैं, यहाँ हमारा 3 क्योंकि नंबर है 1 2 3, ये 3 रिजल्ट आ गया हमारा। और इसके अंदर हमारा रिजल्ट आया 1 2 3 एंड यहाँ पर आया 0, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। तो अब क्लियर हो गया होगा, काउंट फंक्शन हमारा सिर्फ नंबर्स काउंट करता है। ओके अब जो भी हमने काउंट फंक्शन में सीखा है वो सभी वैल्यूज हमारी सम फंक्शन के लिए भी वैलिड होंगी। तो हम सम फंक्शन के लिए भी एक इनपुट के लिए रेंज ले सकते हैं या सिंगल सिंगल वैल्यू भी इसमें ले सकते हैं। बस दोनों में फर्क सिर्फ किस बात का है कि वो नंबर्स को काउंट करेगा और ये नंबर्स को सम करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन पहले से लगा रखा है तो आप इसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने दो वैल्यू ली हैं, इसको हम कर सकते हैं सम, चाहे तो हम उसमें पूरी रेंज डाल सकते हैं इस तरीके से, तो देख पाएंगे 309 आ गया, या फिर हम इसको इन सभी वैल्यूज को अलग वैल्यू के रूप में भी लिख सकते हैं और पार्शियली रेंज भी दे सकते हैं। ओके राइट, ठीक है। सम फंक्शन का एक शॉर्टकट भी हमें मिलता है जो कि हम यहां पर एडिटिंग टूल में जाकर के यहां से हम सम इक्वल टू कर सकते हैं। देखेंगे इसके ऊपर जितने नंबर होंगे वहां तक ये पहुंच जाएगा। इसका शॉर्टकट है हमारा एल्ट इक्वल टू। ठीक है ये देखिए, इसको जूम के फंक्शन, तो होप आपको समझ आए होंगे दोनों फंक्शन हमारे क्लियर हैं, हमारे सम और काउंट दोनों फंक्शन क्लियर हो चुके हैं। तो मेन जो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि फंक्शन के स्ट्रक्चर को समझना। तो आप समझ एक्सेल के सभी फंक्शन इस तरीके से लिखे जाते हैं जो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।